देखिए, थाना सिविल लाइन क्षेत्र के बटावली से 30/1 की रात में ट्रांसफार्मर से काफी मात्रा में कॉपर के वायर की चोरी हुई थी। सूचना पर तत्काल SHO अपनी टीम के साथ पहुंचे थे और वहां जाने पर पता चला कि लगभग 6 क्विंटल के आसपास की तार की चोरी वहां से हुई है। उसके बाद CO सिविल लाइन्स के निर्देशन में SHO सिविल लाइन्स की टीम ने काम करना शुरू किया और इसमें इस घटना का खुलासा किया गया है। इसमें 4 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है और इसमें से 3 व्यक्ति अभी फरार हैं। टोटल 7 लोगों ने मिलकर इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें से मौके से चोरी करने वाले जो अभियुक्त थे वो भी पकड़े गए हैं और कुछ उसमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने इस माल को खरीदा था। इनफैक्ट इसमें से जो लोग पकड़े गए हैं उसमें से नदीम और सलमान हैं, इलियास और बाबर हैं। इसमें से 1 व्यक्ति मेरठ का रहने वाला है, 1 व्यक्ति संभल का रहने वाला है और 2 व्यक्ति बिजनौर के रहने वाले हैं। जो भगे हुए लोग हैं उसमें से एक उस्मान है, एक संजय है और एक शहजाद है। ये तीनों सरदना मेरठ के रहने वाले हैं और इनके पोजीशन से लगभग 6 क्विंटल कॉपर वायर हम लोगों ने बरामद किया है। इनके पोजीशन से हम लोगों ने तमंचे और कुछ कारतूस भी बरामद किए हैं। इस प्रकार इस घटना का खुलासा हुआ है और लगभग 70% माल की रिकवरी हुई है और बाकी जो लोग इसमें फरार हैं उनके पीछे हमारी टीम लगी हुई है। उनको भी बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और इसमें अग्रिम जो कार्रवाई है की जा रही है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।